रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन आज संकल्प पूजन के बाद गर्भगृह में रखी गई रामलला की मूर्ति, 131 पुरोहित हुए पूजा में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट की किताब जारी की है, 48 पेज की किताब है, 20 देशों के डाक टिकट इसमें है। पीएम ने डाक टिकट जारी करते हुए दिया वीडियो संदेश, कहा पोस्टल स्टैंप इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया। अयोध्या के सरयू घाट में बड़ी हलचल, हजारों की तादाद में महिलाएं अवसान माता की पूजा करने पहुंची। थाने में 62,500 किताबों के जरिए बनाई जा रही है राम मंदिर की प्रतिकृति, करीब 30 दिन से कलाकार जुटे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार, विदेशी सैलानियों को ध्यान में रखकर जगह जगह अलग अलग भाषाओं में साइन बोर्ड भी लगाए गए। अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए 968 नदियों का पानी पहुंचा, जौनपुर के राधेश्याम पांडे 3,00,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर जल अपने साथ लाए। अयोध्या में सीता रसोई का संचालन, हर रोज हजारों की संख्या में खाना खाते हैं लोग, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। न्यूजर्सी के अक्षरधाम मंदिर की खूबसूरत तस्वीर सामने आई, बर्फ से ढका हुआ नजर आया अक्षरधाम मंदिर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, दिल्ली के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर की सफाई की। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग, संसद के आगामी सत्र और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंथन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान बवाल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को नगर निगम बिल्डिंग जाने से रोका, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने धरना दे दिया। हंगामे के बाद चंडीगढ़ में चला मेयर का चुनाव, राघव चड्ढा बोले कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, साजिश के तहत चुनाव चलवाने का बीजेपी पर आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम पहुंच गई है, नागालैंड से असम को झंडा सौंपा गया। असम में न्याय यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, कहा मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल है, दूसरी तरफ हेमंत सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। असम में 7 दिन तक चलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले न्याय यात्रा सफल ना हो इसके लिए बहुत कोशिशें की गई। पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आज भी बातचीत करते नजर आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से जुड़े पीएम आज। एमपी के सीएम मोहन यादव का बिहार दौरा, आरजेडी के वोट बैंक में सेंध मारी की बीजेपी की कोशिश है, यादव समाज को करेंगे संबोधन। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, 20 जनवरी को फैसला सुनाएगा कोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए केजरीवाल, ईडी को भेजा जवाब, लिखा चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर, पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, सेमीकंडक्टर नीति समेत कई प्रस्ताव भी पास। उद्धव गुट के नेताओं के खिलाफ ईडी के एक्शन को संजय राउत ने बताया राजनीतिक बदले की भावना, बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। जेडीएस बीजेपी गठबंधन पर बोले कर्नाटक सरकार के मंत्री दिनेश गुंडूराव, कहा जेडीएस के साथ गठबंधन का नतीजा हमने देखा था क्या हुआ, कांग्रेस कर्नाटक में अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत का मामला पटियाला हाउस कोर्ट, नीलम आजाद की जमानत अर्जी पर आज फैसला सुनाएगा। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं 3 दोषी, समर्पण की अवधि बढ़ाने की मांग की है, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।